हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अभी हम लोग आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इसके एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये बहुत नीचे आ चुका है। जिस लेवल से ये ऊपर गया था 20.90 से एंड इसने 36.30 का हाई लगा के फिर से नीचे आया और इसमें एक बाइंग हैपनिंग मुझे दिख रही है। ठीक है, हो सकता है ये बाइंग जो अभी हो रही है वो सस्टेन ना हो और ये जो यहाँ पे रिसेंट मंथली लो लगा रखा है इसको भी एक बार रिटेस्ट करें। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में एंड फ्रेश बाइंग पॉइंट्स ढूंढेंगे विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। सो अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो आप 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे एंड अभी देखेंगे यहाँ पे लगातार पिछले कुछ 5 वीक से इसमें गिरावट देखने को मिला है, लेकिन जो अभी लास्ट वीक गया उसमें एक अच्छी खासी बाइंग हुई है। 20.60 से 23.85 का यहाँ पे बाइंग मुझे दिख रहा है। लगभग लगभग 10% ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है इस कैंडल ने, तो हम लोग इसमें एक फ्रेश बाइंग का पॉइंट ढूंढेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे एक नया कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे नया कैंडल फॉर्म होता है, मानिए अगले नेक्स्ट वीक में अगर गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल कोई बना देता है तो वेल एंड गुड, एंड अगर ऐसा नहीं होता है और ये फिर से सीधे नीचे की ओर आके यहाँ पे कहीं पे हॉल्ट कैंडल बनाता है और इसका लो इसके आसपास हो, तो हो सकता है ये फिर से और ऑल टाइम लो, मतलब ये जो लेवल है इसको रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर ऐसा कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है तो। ये केस ये है यहाँ पे। दूसरा केस ये है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए एक यहीं से स्टार्ट होके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है कोई कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे, या फिर यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल कुछ बना देता है जो कि यहाँ पे ऊपर की ओर क्लोजिंग होगा जो कि एक ग्रीन कैंडल होगा। राइट, तो फिर हमारा जो से व्यू है वो चेंज हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेक करेंगे और 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन चल रहा था जिसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा गिरावट देखने को मिला है। एंड पहले से किसी के पास भी कोई पोजीशन होता अगर यहाँ पे तो उसको इस लास्ट स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना हो था और पहले निकल जाना था। ठीक है, अगर नहीं निकला है ऑल टाइम मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर इसको बाई करके रखा है किसी ने तो इसको अभी भी होल्ड करना चाहिए, और अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा होता तो मेरा जो स्टॉप लॉस होता ये इस स्विंग के नीचे रहता। ठीक है, क्योंकि अगर इस स्विंग के नीचे जाता है तो फिर से हमें नीचे के लेवल देखने को इसमें मिल सकते हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और मैं चाहूंगा कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए, ठीक है, एक प्राइस एक्शन बना के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए तभी मैं इसमें एक फ्रेश बाइंग करूंगा। ठीक है, इसमें फ्रेश बाइंग तभी करूंगा जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो शेयर है, ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जाके यहीं से जहाँ से इसमें सेलिंग आया था ये 25 का लेवल है, फिर से इसमें कोई भी सेलिंग एज ट्रिगर होता है एंड फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है, तो जब भी इस रेंज को ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, इस रेंज रेंज को अच्छे कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देगा तो मैं इसमें अपनी पोजीशन बनाऊंगा जब नेक्स्ट कैंडल इसका जब हाई ब्रेक करेगा तब। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे रहेगा और मैं आपको बता दूं अगर मुझे 100% क्वांटिटी में यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो लगभग लगभग मैं यहाँ पे 25% क्वांटिटी में पोजीशन बना लूंगा। ठीक है, 25% क्वांटिटी में पोजीशन बनाने के बाद जब फिर से एक बार यहाँ पे फिर से ये कोई प्राइस सेक्शन बना के जब अपना हाइट ब्रेक करेगा तो फिर से 30% क्वांटिटी में और पोजीशन ऐड करूंगा और अपना स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे ट्रेल कर दूंगा। इस तरीके से मैं अपना पोजीशन ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से जो मेरा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो होगा 27 एंड उसके बाद का जो टारगेट है, ठीक है, उसके बाद का जो मेरा टारगेट निकल के आएगा वो होगा 29 के आसपास, 29-30 के आसपास एंड उसके बाद 32 एंड उसके बाद का जो टारगेट है वो 35 है। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से निकलने के बाद, ठीक है, प्राइस एक्शन बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ा दिन स्पेंड करके इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम फिर से हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे वो हिट होगा एंड जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम लेके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो एट लास्ट हम लोग कुछ अपना जो भी पोजिशन होगा उसे प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे ना कि लॉस में। तो ये है मेरी स्ट्रेटेजी इसमें आने वाले समय में पोजीशन बनाने की। अगर यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन, ठीक है, नीचे की ओर बनता है और ये अपना हाई ब्रेक नहीं करता और इसी ट्रेंड लाइन से कहीं नीचे की ओर आ जाता है तो यही प्राइस एक्शन हम लोग यहाँ पे इस पैटर्न पे ढूंढेंगे। ठीक है, जब भी ये प्राइस एक्शन बनाएगा और इस प्राइस एक्शन को कन्फर्म करेगा इस तरीके से तभी हम लोग अपना बाइंग करेंगे, उसके पहले बाइंग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे पोजीशन बना के ऊपर गया था फिर से आया लेकिन लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं किया एंड फिर से सेम पोजीशन बना के ऊपर चला गया, तो मैं वही बोल रहा था पहला क्वांटिटी हमारा यहाँ पे जाना चाहिए एंड सेकेंड क्वांटिटी हमारा इस
पॉइंट पे जाना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए अच्छा खासा ऊपर की ओर गया, अगर हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखते हैं तो एट लास्ट कुछ प्रॉफिट घर लेके गया होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी शेयर में अपनी एनालिसिस करने के बाद पोजीशन बनाने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।